नागपुर पश्चिम में रात 3 बजे शुरू हुई कड़ाकों के साथ तेज बारिश ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। अराफत कॉलोनी शाम लॉन के समीप निचला इलाका और झिंगाबाई टाकड़ी की झोपड़पट्टी जैसे बहुत से इलाके जलमग्न हो गए। इस तूफानी बारिश ने इतना कहर बरपाया कि उस समय लोगों की मती मारी गई थी। उनके कीमती सामान बह गए, जिसमें किराना दुकान, खाद्य पदार्थ, अनेकों प्रकार के घरेलू सामान शामिल है। इस दुविधा की घड़ी में जमात ए इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर नूरुल अमीन इफ्तिखार अहमद ने अपने सदस्यों के साथ औचक निरीक्षण किया, प्रभावितों की सहायता की योजना के लिए हाथ बढ़ाए, इसे शीघ्र ही अंजाम दिया जाएगा। हेल्प सेंटर के तहत नाश्ता, पानी, भोजन, शौचालय आदि के लिए राउत सभागृह अरकम स्कूल में प्रबंध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि झोपड़पट्टी इलाके में 700 लोग प्रभावित हुए हैं। इस दुविधा में तत्काल प्रशासनिक राहत की अपील भी की जा रही है।